नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में राहु के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम केतु भगवान के बारे में जानेंगे। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले, हमारे 400 प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो ये जो फैमिली है आपके कारण बनी है। आप जो इंटरेस्ट दिखा रहे हो ज्योतिष सीखने में, जिस सिस्टमेटिक वे में मैं दिखा रहा हूँ एक प्रॉपर फॉर्मेट में, और आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। कीप वॉचिंग। एक जनरल टॉक मुझे कुछ शेयर करने जैसा लगा। पहली चीज कि आई हैव बीन रिसीविंग मेनी ईमेल्स एंड कमेंट्स रिगार्डिंग जॉब एंड मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। काफी लोगों को पैसे संबंधी या जॉब संबंधी मेरे को ईमेल्स आ रहे कि मेरी कुंडली देख लीजिए क्या वगैरह। तो देखिए, ज्योतिष जो है वो हमें हमारे लाइफ को आध्यात्मिक तरीके से उन्नत बनाने के लिए यूज करना चाहिए, दैट वी शुड ग्रो स्पिरिचुअली। ठीक है, ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जो है वो आप आपके परिश्रम से ध्यान देकर आप उसे एक सिस्टमेटिक वे से आप क्लियर कर सकते हो। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, अगर किसी का 12th कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर एजुकेशन में कहीं लैकिंग हो, आपको अगर घर बैठे जॉब चाहिए, तो एस्ट्रोलॉजी कोर्स एक मैं बना सकता हूँ, एक प्रिपेयर कर सकता हूँ। पास्ट में मैंने किया है और मैंने पास्ट में ऑनलाइन कंसल्टेशन भी किया है। तो आपको जो ऑनलाइन वेबसाइट्स है वहां पे आपको जॉब मिल सकती है एज अ कंसल्टेंट, और आपको वहां से इनकम हो सकता है। तो अगर किसी ने इंटरेस्ट दिखाया तो एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस प्रकार से, अगर कोर्स लॉन्च होता है और अगर लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड विद इट। इसमें ये चीजें हैं। सेकेंडली, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द न्यूज़लेटर जो डिस्क्रिप्शन में है नीचे, वहां पे एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है न्यूज़लेटर्स के लिए, तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। एंड ट्राई आउट द क्विज। लास्ट टाइम काफी लोगों ने क्विज अटेम्प्ट किया था, बहुत अच्छे से लोगों ने आंसर्स दिए थे। तो डिस्क्रिप्शन में क्विज का फॉर्म भी है, आप वहां जाके एक KBC की तरह यू कैन हैव सम फन देयर। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे की बात पे, डिस्कस करते हैं केतु के बारे में। सो इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट राहु। राहु भगवान के विषय में हमने पिछले क्लास में डिटेल में बात की थी। सो राहु इज द रीजन वी हैव डिजायर्स। राहु जो है वो डिजायर के कारक है। जहां पे राहु है वहां पे डिजायर है, और डिजायर फुलफिलमेंट के लिए वो किसी भी हद तक जाता है। हालांकि केतु जो है उनके एग्जैक्ट ऑपोजिट है, मतलब जहां पे केतु है वहां से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, वहां पे व्यक्ति सुख ढूंढता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहां केतु है वहां से उसको सुख मिलता ही नहीं है। This is a good way to remember the position of Rahu and Ketu in the chart. इसका अर्थ ये है कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के डायगनल है। राहु इन फर्स्ट हाउस, देन केतु इन सेवेंथ हाउस। अगर राहु है सिक्स हाउस में तो ट्वेल्थ हाउस में केतु है, ऑलवेज सेवेंथ टू इट, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। These planets are always retrograde and diagonal to each other. ये planets हमेशा retro होता है, राहु और केतु हमेशा retrograde होता है। Movement of every planet is from house 1 to house 2, house 2 to house 3. Example पकड़िए, Jupiter का transit अभी फिलहाल first house में, तो उसका जो transit होगा वो होगा second house में, second house से होगा third house में, fourth house में, so on. लेकिन जो राहु है, राहु का ट्रांजिट होगा फर्स्ट हाउस में, अगर राहु सेकेंड हाउस में, अगर राहु फर्स्ट हाउस में है तो राहु का ट्रांजिट होगा ट्वेल्थ हाउस में। ठीक है, वो उल्टे घूम रहे हैं क्योंकि वो, और उसका एक मेन रीजन है कि वो रेट्रोग्रेड। हमें और पता चलता है कि एक भाव जो है इट इज इक्वल टू 30 degrees, मतलब जो फर्स्ट हाउस है वो 30 degree का है, और कोई भी नॉर्मल प्लेनेट जब उसमें ट्रांजिट करता है तो 0 degree से स्टार्ट करता है, 0, 1, 2 से लेकिन 30 तक। लेकिन राहु जो है वो 30 से चालू करता है और 0 पे जाता है, 30 degree से जाता है वो 0 degree से, क्योंकि वो उल्टा जा रहा है ना, क्योंकि उसको फर्स्ट हाउस से ट्वेल्थ हाउस में जाना है, तो इसका कैलकुलेशन उल्टा होता है। केतु इन 12 हाउसेस। आज के सेशन में मैं चाहूंगा कि आप केतु को लेकर प्रेडिक्शंस कर पाओ। केतु जिस भी भाव में है उस भाव में जो जहां पे वो बैठा है, जो हाउस का सिग्निफिकेशन है, वहां से आप प्रेडिक्शन कर पाओ
So few key points to remember before making predictions related to Ketu. Ketu संबंधी predictions करने से पहले एक कुछ चंद चीजें आपको पता होनी चाहिए. केतु इज मोक्ष कारक. केतु है ना मोक्ष कारक. तो केतु का जो नेचर है ना वो है सात्विक. सत्व है केतु का नेचर. केतु इज कंफ्यूजन. जहां पे केतु है वहां पे कंफ्यूजन है. वहां पे व्यक्ति को सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. व्यक्ति कंफ्यूज रहेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. केतु इज वेयर द रूट प्रॉब्लम इज. जहां पे केतु है वहां पे रूट प्रॉब्लम है व्यक्ति का लाइफ का और उसी संबंधी वो अपने लाइफ में बस राउंड एंड राउंड घूमते रहे और अपना राहु डिजायर भी पूरा नहीं कर पाते इसी चक्कर में. केतु इज ऑल्सो द प्लेस वेयर वन कैन विच कैन लिबरेट यू. अभी आप ये चीज समझें. आप कह रहे हो कि केतु जो है वो सत्व है. ठीक है सत्य है. और सात्विक प्लेनेट कंफ्यूजन दे रहा है प्रॉब्लम दे रहा है ऐसा क्यों. अगर आपको मोक्ष मार्ग पे जाना है आप समझिए. यदि आपको मोक्ष मार्ग पे जाना है और जीवन में सभी कुछ अच्छा है आपके सारे जितने भी डिजायर्स है सब पूरे हो रहे हैं. डिजायर एक ऐसी चीज है विच इज नेवर एंडिंग. एक इन्फिनिटी है. हमेशा आ ही रहे हैं डिजायर्स. कभी खत्म नहीं होंगे तो आपका कंटिन्यू रहेगा. आप मोक्ष के लिए तो कभी मांग ही नहीं करोगे अगर दिक्कत नहीं आ रही. लेकिन जब व्यक्ति को इतने दिक्कत आ जाती है कि आदमी भगवान को बोलता है कि मोक्ष दे दे अभी ये चीज नहीं सहन हो रही. अगर आप किसी भी जो संत हो गए उनकी आप लाइफ देखो ठीक है तो इट वॉज नॉट वेरी इजी. भले आप श्री राम की लाइफ देख लीजिए या श्री कृष्ण की लाइफ देख लीजिए. उन्हें काफी दिक्कतों से गुजरना पड़ा. श्री राम की लाइफ के सिक्वेंसेज आप एनालाइज कीजिए. सो केतु इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोक्ष. जिस व्यक्ति का केतु लग्न में है ठीक है जिस व्यक्ति का केतु लग्न में है ऐसे व्यक्ति को मैरिज नहीं करनी चाहिए. क्योंकि केतु का जो है ना सेवेंथ एस्पेक्ट होता है लग्न पे और यहाँ पे व्यक्ति के सारे डिजायर से जो पूरे नहीं होते मैरिज में व्यक्ति को डिससेटिस्फेक्शन मिलता है. और जहां पे केतु है वहां पे कंफ्यूजन तो है ही क्योंकि फर्स्ट हाउस होता है आप खुद तो आपकी खुद के रिलेटेड कंफ्यूजन. ठीक है केतु अगर सेकेंड हाउस में है तो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स व्यक्ति को रहता है. मतलब फैमिली को लेकर चिंता पैसों को लेकर चिंता. एक बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन मैंने किया था कि सिक्स हाउस में केतु और उनकी महादशा चल रही थी बुध की. तो ऐसे सिचुएशन में बुध में और अंतरदशा थी शनि की. व्यक्ति का लोन चल रहा था और लोन में जो ईएमआई था वो लैप्स हो रहे थे. ठीक है तो केतु जो है ना वो प्रॉब्लम कंफ्यूजन इनकम्प्लीटनेस वो दर्शाते हैं क्योंकि सिर नहीं है ना सिर्फ बॉडी है सिर नहीं. थर्ड हाउस केतु व्यक्ति है ना व्यक्ति के हाथों से चीजें गिरती रहेंगी. अगर केतु थर्ड हाउस में ना तो आप एक चीज जरूर देखिएगा कि व्यक्ति के हाथ में कोई भी चीज बॉटल है पानी की वो गिरती रहेगी. अपने जो सिबलिंग्स है वहां पे कंफ्यूजन रहेगा. सिबलिंग्स से डिससेटिस्फेक्शन रहेगा. फोर्थ हाउस केतु जो है वो व्यक्ति के घर में सबसे पहले वास्तु दोष देता है. फर्स्ट थिंग वास्तु दोष देता है. घर का जो कलर है ना वो एकदम ही अलग हटके. अगर कॉलोनी में सबका कलर है रेड ब्लू नॉर्मल तो जिसके भी फोर्थ हाउस में केतु है उसके घर में कुछ अजीब सा ही कलर हो. ठीक है सो केतु मल्टी कलर्स का कारक है. फिफ्थ हाउस केतु रिलेशनशिप्स से दिक्कत. व्यक्ति को रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए. लेकिन फिफ्थ हाउस में अगर केतु है तो व्यक्ति को संतान प्राप्ति होगी. ठीक है संतान प्राप्ति तो होगी लेकिन संतान से व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर से एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाएंगे. केतु जहां पे भी है वहां पे व्यक्ति के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होते. फोर्थ हाउस है घर घर संबंधी व्यक्ति के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होंगे. अंडरस्टैंड केतु सेकेंड हाउस में है जहां भी व्यक्ति को एक्सपेक्टेशंस मीट ही नहीं होंगे. तकलीफ ही सहन करेगा वहां पे छोड़ दो. केतु का सबसे स्ट्रॉन्ग रेमेडी है जो है जैसा उसको उस हालत में छोड़ दो आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे. और रही बात ये जो मैं कह रहा हूँ ये चीज कहनी आसान.
अभी ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है बहुत सारे चार्ट्स पे, कुंडली में मैंने स्टडी किया है, और ये चीज देखिए, अगर व्यक्ति इस चीज के संबंधी अपने थॉट्स को छोड़ देगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसको उसके 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता है। द सेम गोज विद एवरीवन। तो जहां पे केतु वहां पे प्रॉब्लम सब छोड़ दीजिए। केतु अगेन इन सेवेंथ हाउस, राहु इन लग्न, वन शुड नॉट गेट मैरिड, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होते हैं, व्यक्ति को वहां से दिक्कत फेस करनी पड़ती है। एथ हाउस केतु आई फील इज अ वेरी गुड पोजिशन, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पोजिशन है, क्योंकि केतु जो है वो अपने एक नेचुरल हाउस में है। केतु जो आठवीं राशि के स्वामी, आठवीं राशि के यहाँ भाव के नहीं, एथ राशि के स्वामी है, और वो अपने नेचुरल घर में बैठे हैं केतु, एथ हाउस। तो वहां पे उनको अगर वो ध्यान करेंगे, फर्स्ट हाउस केतु एंड एथ हाउस केतु अगर ध्यान करेंगे, ध्यान में ध्यान देंगे, तो उन्हें काफी सारी सिद्धियां प्राप्त होने की पॉसिबिलिटीज है। सेकेंडली, केतु अगर फिफ्थ हाउस में है, केतु इन फिफ्थ हाउस, एथ हाउस, सो 5, 8, 12 ऐसे लोगों को ना एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए। फिफ्थ हाउस, एथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस एंड फर्स्ट हाउस, इनको एस्ट्रोलॉजी करनी चाहिए, क्योंकि इनको है ना जो नॉलेज मिलता है वो डिवाइन नॉलेज मिलता है, और इनके प्रेडिक्शंस बहुत नेचुरली आते हैं। नाइन्थ हाउस केतु फादर से डिससेटिस्फेक्शन व्यक्ति का रहता है, धर्म से डिससेटिस्फाइड रहता है, धर्म कई बार बदलते रहता है। अगर यहाँ पर राहु है तो व्यक्ति एक्स वाई जेड धर्म में या फिर एक्स वाई जेड रिलीजन में वो अपना परिवर्तन कर लेगा और उसको बिलीव करना चालू कर देगा। हालांकि केतु है ना, केतु 10 बार चेंज करेगा, आज ये नहीं, मतलब ही कीप ऑन चेंजिंग हिज आइडियोलॉजीज। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो अपने आइडियोलॉजीज चेंज करते रहेगा। टेंथ हाउस केतु करियर से डिससेटिस्फेक्शन, करियर में क्लैरिटी नहीं कि करियर कहाँ जा रहा है, क्या करना है आगे, व्यक्ति को समझ में ही नहीं आ रहा है। 11th हाउस केतु, फ्रेंड्स जो है वो मिसगाइड करते ऐसे व्यक्ति को, फ्रेंड्स बुरे नहीं होते लेकिन फ्रेंड्स ही कंफ्यूज कर देते, दे विल नॉट लेट यू डिसाइड ऑन वन थिंग। 12th हाउस केतु, ये पोजीशन ऐसा है ना कि व्यक्ति को जहां पे, जैसे 12th हाउस में केतु है, यू स्टार्ट मेडिटेटिंग मोर एंड मोर, द मोर यू मेडिटेट द मोर नॉलेज यू विल गेट, जितना ज्यादा ध्यान करोगे उतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा। तो ये केतु इन 12 हाउसेस है, इसे आप अपने सारे चार्ट्स में, जितने भी नोन चार्ट्स है उसमें आप अप्लाई कीजिए और देखिए, आपको आप प्रिडिक्शंस करना स्टार्ट कीजिए, यू विल सी आपको अपने आप जो केतु है ही स्टार्ट रिवीलिंग। अच्छा, रेमेडीज, तो अगर आपको केतु संबंधी रेमेडी है तो इसकी एकमात्र रेमेडी है श्री गजेंद्र मोक्ष, इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, यू रिमेम्बर इट, उसको याद कर लीजिए, और इसका रोज पाठ किया कीजिए, एटलीस्ट 3 times, एक बार मत कीजिए, 2 बार मत कीजिए, 3 बार कीजिए, ठीक है, या फिर 3 के सेट में कीजिए, 3, 6, 9, सो ऑन। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर मुझे कॉन्टेक्ट करना है तो कॉन्टेक्ट jyotishrahasya@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप भेज सकते हो। थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, आप जो टाइम दे रहे हो ये सीखने के लिए, कोई चीज़ नई चीज़ सीखने के लिए, इसे तहे दिल से धन्यवाद। हरे कृष्णा, टेक केयर।